बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ते जी आया नूं साडे चैनल ते, ते रिक्वेस्ट तुहाडे कि साडा चैनल जिहड़ा जी सबसक्राइब करो ते बैल दा बटन दबाओ ते जे साडी वीडियो अच्छी लगे ते उहनूं लाइक ते शेयर भी करो। डेयरी गाइड दे सिलसिलावार प्रोग्राम च कल तुहाडे नाल डिस्कस कीती सी जिहड़ा ना जी अपना काफ बछड़ी बछड़ा कटी कटा जदों पैदा हुंदा है उस तों बाद उहदी निगहदाश्त किस तरह करनी है उहदी उहदे सिलसिले दी अज इक कड़ी है कि वलैती गावां वाले ज़्यादातर बल्कि ते क्रास दियां गावां वाले भी कुछ लोग ते कुछ लोग वैसे अपना छोटे कट्टे कट्टियां बछे बछियां मंडियों खरीद ले हुंदे ने उह सारे अपना ज बच्चे दी अपना परवरिश करदे ने मिलक रिप्लेसर दे उत्ते कुदरती दुध दी बजाय मिलक रिप्लेसर दे उत्ते बच्चे दी नशोनुमा जिहड़े करदे ने अज असी तुहाडे अगे चंद मिलक रिप्रेसर रिप्लेसर दे फार्मूले दुध दा जिहड़ा निम्मल बदल है उहदे फार्मूले डिस्कस करांगे नाल जिहड़ा बच्चिआं नूं तुसां काफ स्टार्टर देना उहदे फार्मूले तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। इह जिहड़े फार्मूले ने आह कुछ सर्च तों बाद इकट्ठे कीते ने इह बुनियादी तौर ते इह जनाब सर्च कीती गई है अपना डेयरी प्रोजेक्ट सी इक अपना पाकिस्तान चलिया सी ठीक है जी यू एस एड दे तावन दे नाल रूरल डिवेलपमेंट एग्री एंड रूरल डिवेलपमेंट प्रोग्राम के तहत यू एस एड के तावन के नाल ये तुहाडे वास्ते जिहड़ी सारी उत्थों इनफॉर्मेशन कलैक्ट की गई है ठीक है जी। मिलक रिप्रेसर जिहड़े फार्मूले आ तुहानूं दस्सण लगे हां ये 100 किलो का फार्मूला जी ठीक है जी। ये तुसीं सब तो पहला फार्मूला जिहड़ा उहदे च पिसे हुए जौ ले लो 32%, अलसी की खल जिहड़ी उह तुसीं पसा लवो 30%, तो खुश्क दुध जिहड़ा बाजारों मिलता कोशिश करना अच्छी क्वालिटी का लवो वो 35% ले लो, हड्डियां का चूरा या DCP पाउडर जिन्हों कहिंदे ने वो 1.5% ले लो, तो खुरदनी नमक जिहड़ा नमक इस्तेमाल करने असीं अपने किचन दे विच रसोई दे विच भी वो 1% ले लो, तो इहदे विच तुसीं एंटीबायोटिक जिहड़ा ना कोई भी सोल्यूशन या कोई पाउडर एंटीबायोटिक 0.5% ये भी मिक्स कर लो, ये तुहाडा टोटल 100% हो जाएगा ठीक है जी। तो दूसरा फार्मूला जी ये तुसी मकई जड़ी है वो प्यालो पिसी हुई मकई ले लो 20%, सोयाबीन जड़ा मेल है वह 13% प्यालो तुसी बरीक करा लो, खुश्क दुध जड़ा 50% ले लो, हड्डियां का चूरा 14% है ठीक है जी, सॉरी हड्डियां का तो खुरदनी नमक जड़ा जनाब वो 1.5% ले लो, तो एंटीबायोटिक जड़ा वो 1% ले लवो ठीक है जी। ये सारे दा भी प्या लैने पाउडर बना लेना इन्हों का, तो ये 9 हिस्से पानी तो 1 हिस्सा जड़ा ना जी तुसा जड़ा फार्मूला बनाया वो 1 हिस्सा वो शामिल करना 9 हिस्से पानी शामिल करना, तो यह तुसा बच्चे पिलाना तो एहतियात उ ने जड़िया तुसा अपने जेन च रखनिया ठीक है। तो ये आप ये भी उस तरह जानवर के जड़ा बच्चा वो वजन के 10वें हिस्से के बराबर जड़ा ना जी उन्होंने पिलाना, तो पिलाने लग्या यदा टेंपरेचर का खास ख्याल रखना ये 39 डिग्री जड़ा टेंपरेचर है उस टेंपरेचर से तुसा बच्चे पिलाना, जो ठंडा पिलाओगे तो बच्चा बीमार हो जाएगा, ज़्यादा गर्म पिलाओगे तो फिर भी बच्चे वास्ते नुकसानदेह आ, तो 39 टेंपरेचर मेनटेन रख के बच्चे तुसा उसके जिस्मानी वजन के मुताबिक पिलाना। जिते बैठे सर जिते बह के वीडियो बनाई है तो पिछले चवाई जी हो रही है, तो थोड़े भाइयों का वक्त देने का बहुत शुक्रिया जी। फिर थोड़े अगे गुजारिश यही है कि साडा चैनल जिहड़ा लाइक ते सबसक्राइब ते करो ते बैल दा बटन दबाओ, जे साडी इनफॉर्मेशन तुहानू अच्छी लगती है तो इहनू लाइक करो ते शेयर करो जी। बहुत शुक्रिया जी, रब राखा।